खिदरानी दी जंग साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी मुगल हकूमत विरुद्ध आखिरी जंग सी। इस जंग दे विच गुरु साहिब ने जीत प्राप्त की। खिदरानी दी लड़ाई गुरु साहिब ने जिस स्थान ते बैठ के लड़ी उस स्थान ते अज सिख इतिहास मुताबिक गुरुद्वारा टिब्बी साहिब संशोभित है। इस जंग उपरंत जद गुरु साहिब दातन कुरला करन दे लई गए तां जिस जगह अज गुरुद्वारा दातन सर साहिब मौजूद है उस जगह ते एक नूरदीन नाम दे मुसलमान ने गुरु साहिब दी पिठ ते वार करन दी कोशिश की। गुरु साहिब ने हाथ विच फड़े गड़वे दे नाल ही इस नूरदीन नाम दे मुसलमान नूं मार दिता। इस नूरदीन दी कबर गुरुद्वारा दातनसर साहिब दे बाहर बनी हुई है जिथे पुरातन चली आ रही रवायत अनुसार अज भी दर्शन दीदारे करन आई संगत छित्तर मार के जांदी है। दातन साहिब दा की इतिहास है? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। खिदराणा कर मुक्तसर मुक्त मुक्त सब सकीन होए साबत जी जय जगह बड़ो मरतबोलीन। इस स्थान पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने आखिरी जंग जिस वेले फैसला को लड़ते हैं बहुत सारे सिंह इतने शहादत प्राप्त करते हैं तो सतगुरु सच्चे पातशाह जो टिब्बी साहब के स्थान पर सन इतों महाराज ने जंग होता देखा अपने खालसे की मदद करते रहे। तीरों का मीह भराया सतगुरां जी ने जंगा इस जंग अंदर सिखा की जित होंगी है गुरु साहब की जित होंगी है। वजीर खान दिया फौजा हार का सामना करद हो पिछे मुड़ना पैदा सतगुरु सच्चे पातशाह टिब्बी साहब के स्थान तो इतने चल के आते सारे सिंह के पावन शरीर का संस्कार महाराज अपने हथी गुरद्वारा शहीद गंज साहब जिथे मौजूद है उत्थे सतगुरु जी ने आप उन्हों हथी संस्कार किया। इतने रेंदे ने सतगुरु जी तो जो वजीर खान के वलों एक सूहा सतगुरां जी के मगर लाया होया जिन्हों वजीर खान अपने पाप काम के नज़र आते कि जे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जे ये बच गए तो मेरा बचना जोड़ा वो संभव नहीं है। किसी ना किसी रूप में उन्हें अपने आदमी पिछे लाए हुए ने जिन्हों के एक नूरदीन जिस वेले सतगुरु जी अमृत वेले दातन कुरला करद हो हाथ में सरबलोह का गड़बा है तो महाराज सवेरे जिस वेले अमृत वेले शौच क्रिया वास्ते जाते हैं तो उस वेले सूहा जिसने सतगुरु सच्चे पातशाह जी के उपर पिछों वार कर दिता पर महाराज ने उस वेले ही दातन कुरला करद हो तो अपना जोड़ा वो गड़बा है सरबलोह का ऐसा वो सिर के मारिया तो वो थाएँ मौत हो ते नाल महाराज ने वचन आखे सन कह लगे जे अगों की वार करता तो चंगा सी हुण इन्हें पिछों वार किया इन्हें कम ही जुत्तियां पैन वाला किया तो इन्हों लगातार इस तरह हम जुत्तियां जिहड़ियां पैंदियां रहिंदियां इहदा कम ही ऐसा सी जिस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे इस स्थान के नाल बनी हुई नूरदीन की कबर है अज भी जिसनों जदों सिख इत्थे आउंदे ने वड्डी गिणती च नतमस्तक होण वास्ते गुरु साहिब दे इस स्थान पर तो उसके सदा ही जो उन्हें कम ही ऐसा किया गाणता भरिया अज तक भी वो कबर पर जुतियां पड़ियां ने इतने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वो दातन कुरला कर रहे सन इतों भी वो घटना से इतने गुरद्वारा दातन साहब संगत देश विदेश तो वड्डी गिणती विच इतने हाजरियां कर दिया नतमस्तक होंदियां। श्री मुक्तसर साहिब तो मनप्रीत मोनू की रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम टीवी।